विरार पश्चिम में नागरिकों का भव्य मोर्चा। नागरिकों का कहना है कि पिछले 3 साल से जब सत्ता प्रशासन के हाथ में है तो उनकी सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। नगर निगम प्रशासन को नागरिकों की समस्या नहीं दिखती और उनकी ओर ध्यान भी नहीं दिया जाता। कुछ मांगों को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए आज यानी 7 मई 2023 को नागरिकों द्वारा एक भव्य मोर्चा निकाला गया था। यह मोर्चा विरार पश्चिम के नागरिक स्वास्थ्य केंद्र बोलिंज से बोलिंज वार्ड कमेटी ए के कार्यालय तक निकाली गई थी। नागरिकों की मांग ये है कि उपचारात्मक योजना के तहत सड़कों की ऊंचाई बढ़ाई जाए और पूरी सड़क को चौड़ा किया जाए। इसके साथ ही सड़क को घेरने वाले बड़े बड़े होर्डिंग्स को हटाया जाए और महाड़ा से नागरिक स्वास्थ्य केंद्र बोलिंज तक एक सीधा पुल बनाया जाए जिसके तहत अस्पताल और अग्निशमशान जैसी सेवाएं क्षेत्र में तुरंत पहुंच सके। ये सभी मांगे कई साल से की जा रही है लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रही। कुछ दिनों में मॉनसून आने से पहले ये सभी काम करना जरूरी है ताकि नागरिकों को इस वर्ष जल भराव के संकट का सामना ना करना पड़े। आइए देखते हैं इस मुद्दे पर हार्दिक राउत जी का क्या कहना है। आज वसे विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती अच्या कार्यालयावर विरार पश्चिम येथील आणि बोईंज विभागातील नागरिकांनी मोर्चा काढला होता। त्या मोर्चाचं मुख्य कारण होतं की विरार पश्चिमेला आणि बोईंजला जोडणारा जो दिवलई पाड्याचा रस्ता आहे त्या दिवलई पाड्याचं गेल्या 2 वर्षापासून काम महापालिकेने घेतलेलं आहे आणि ते अपूर्ण अवस्थेत ठेवलेलं आहे। तो रस्ता लवकरात लवकर चालू करावा जेणेकरून बोईंज आणि विरार आणि गोविंद आणि अर्नाळ ह्या उच्च रस्त्यावरती येणारा जो ताण आहे तो कमी होईल। गोविंद नाक्यावरती उडणारी जी वाहतुकीला ट्रॅफिक आहे ते ट्रॅफिक कमी होईल आणि लोकांचा या जाण्यासाठीचा वेळ जो आहे तो वाचेल। तसेच पर्यटक मोठ्या प्रमाणात शनिवार रविवार सुट्टीच्या दिवशी असतात आणि गोविंद नाक्यावर एक एक तास लोकांना रखडूत उभं राहावं लागतो। तर जो हा रस्ता जो जिवळे पाड्यातला आहे आणि जो जिवळे पाडा मार्गे अर्नाळा सतपा नाळे निर्मळ ह्या सगळ्या गावांना जॉईन करणारा हा रस्ता आहे। हा लवकरात लवकर चालू करावा आणि महापालिकेने तो रस्ता चालू करण्यासाठी ग्रामस्थ मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरले होते आणि महापालिकेचे आजी माजी सदस्य म्हणून आम्ही स्वतः त्या मोर्चांना पाठिंबा देत होतो। आमचे लोकनेते मानले श्री हितेंद्रजी ठाकूर, प्रथम महापौर राजेजी पाटील, युवा आमदार सतीश ठाकूर यांच्या सर्व मार्गदर्शनाखाली बहुजन विकास आघाडीच्या टीपचा या मोर्चाला पाठिंबा हो। सर यहाँ के जो इलाके का रास्ता है बारिश के पहले उसका ये हाल है तो बारिश के बाद इतना क्या हाल होगा उसका? त्यासाठीच हम पूछा था पावसाळ्याच्या आधी हा रस्ता लवकरात लवकर महापालिकेने पूर्ण करून लोकांना हस्तांतरित करावं। ठीक, थँक्यू।